ताकि जो समस्याएं हैं उनके लिए जब कोरोना 2.5 से कम पॉजिटिव केस आने लगे हैं और थोड़ा बहुत लॉकडाउन खुलने लगा है, तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम लोग आए, प्रशासन के साथ बैठे, जनता की समस्याओं को सुने और जनता की समस्याओं को सुनने के साथ में उसका समाधान करें। ये हमारी ड्यूटी में आता है। जनता ने सरांगों में बैठा करके हमको सरकार में बैठाया, तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम जनता की समस्याओं का समाधान। बिल्कुल एक आया है, ये बड़ी परेशानी करने वाली बात है, चिंता की बात है। और माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि ये बहुत चिंता का विषय है कि दूसरे देशों से भी हमें इस तरह की जानकारियाँ मिल रही हैं, लेकिन उसके भी जो लोगों की समस्याएं हैं उनका समाधान भी करें और उसका भी ध्यान रखें, और आवश्यकता पड़ेगी तो दोबारा हम कठोर कदम उठाएंगे, लेकिन थोड़ी बहुत छूट के साथ सामान्य होना चाहिए। लोगों की खाने की व्यवस्था हो, लोगों की जो यापन है, रोजाना रोजमर्रा का काम है, वो होना चाहिए। आप बताइए, 75 के आपातकाल की बात कहते हैं, 77 के बाद में उनकी 96, 97, 98, 99, 4 साल सरकार, उसके बाद में ये 7 साल अभी है, यानी 45 साल में से केवल 15 साल हो रहे हैं, 20 साल सरकार हमारी नहीं है। 6 बार यूपीए या कांग्रेस की सरकार रही है, तो अगर आपातकाल में कुछ गलत होता तो 6 बार दोबारा देश की जनता हमको शासन दे देती। ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इनकी जो साध्वी प्रज्ञा है, एमपी है, राज्यसभा की मेंबर है, वो ये कह रही है कि नाथूराम गोडसे जो महात्मा गांधी को गोली मारने वाले थे वो हमारे आदर्श हैं, हम उसकी पूजा करते हैं। तो कहाँ के लोग हैं ये, क्या बात कर रहे हैं, ये किस आपातकाल की बात कर रहे हैं आज, उससे इसका क्या लेंगे आप बताइए। कि देश के प्रधानमंत्री ने जो वादे किए थे, कोरोना में जो मिसमैनेजमेंट हुआ, बेरोजगारों की नौकरियाँ चलेगी, नई नौकरियाँ आप दे नहीं पाए, किसान आज 8 महीने से धरने पे बैठे हैं, 3 काले कानून अडानी और अंबानी और बड़े लोगों के लिए लेकर के आए हो आप, उनकी तो बात कर नहीं रहे। कभी कह रहे थे चाइना को लाल आंख दिखाने के, दिखा दिया गया चाइना को लाल आंख, जमीन पे कब्जा करके बैठा। कभी कह रहे थे पाकिस्तान का अस्तित्व समाप्त कर देंगे, कर दिया गया पाकिस्तान का अस्तित्व, उसकी मम्मी जी को सोल दे के रखे आते हैं, प्रणाम करते हैं, धोख खाते हैं। क्या है, कथनी और करनी में फर्क है भारतीय जनता पार्टी के में, मैं ये कह रहा हूँ। आप देखो ना, गजेंद्र सिंह जी ने कभी किसी जिले का दौरा किया क्या? मैं 24 बार गंगानगर और हनुमानगढ़ गया जब मैं प्रभारी था, 24 बार 150, अभी भी मैं चौथी बार आ रहा हूँ, मेरे खुद के कोरोना पॉजिटिव होने के और पोस्ट कोविड होने के बावजूद। बात यह है कि वो तो केवल उसे ट्वीट करके और नेता बनना चाहते हैं और मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, ऐसे राजस्थान की जनता मुख्यमंत्री नहीं बनाती है। आप केंद्र में मंत्री है, जनसंसद मंत्री, आपने राजस्थान के लोगों की प्यास बुझाने के लिए एक गुटी कोड़ी दी, क्या बताइए क्या क्या आपने? सर प्यास की बात की, लेकिन केंद्र सरकार में बैठे मंत्रियों ने एक बैठक की, ये कहा गया कि पंजाब और राजस्थान सरकार काला पानी पिला। केंद्र में काहे के लिए बैठे हो, उतरो ना कुर्सी पर से। जब आप स्टेट गवर्नमेंट अगर कोई गलत काम कर रही है उसके खिलाफ एक्शन नहीं कर सकते, काहे के जल संसाधन मंत्री हो आप किस बात की बात कर रहे हो? आप जल संसाधन मंत्री भारत सरकार के हो और आप ऐसे कर रहे हो राजस्थान गलत कर रहा है, पंजाब गलत कर रहा है, मध्य प्रदेश सही कर रहा है क्या? उसको बता दो हम गलत कर रहे हैं, हमारे खिलाफ कार्रवाई करो। कौन कह रहा है? कोई गलत नहीं कर रहा है। ये बरसों की समस्या है पानी की, जो ये लोग भाग नहीं निपटा पाए। पहले तो बीजेपी की थी ना सरकार और मोदी जी थे, हम तो अब आए हैं तो निपटा दी गया उन्होंने समस्या। आप बताइए, पंजाब में भी अकाली दल और बीजेपी की सरकार थी और यहाँ पर मोदी जी की सरकार थी, तो फिर निपटा देते। आज दोबारा क्यों आई ये प्रॉब्लम? जब खुलेंगे हम ऑनलाइन एप्लीकेशन लेंगे, सबके स्थानांतरण करेंगे। आज स्थानांतरण हो नहीं रहे, तो मैंने विनम्र निवेदन भी किया स्थानांतरण लेकर के आप अभी मतलब जब बैंक खुले तो ऑनलाइन एप्लीकेशन देकर के स्थानांतरण करेंगे, लेकिन जिसकी समस्या का समाधान हो सकता है मेरे विभाग से संबंधित हो उसको तो मुझे तुरंत करना ही चाहिए, नहीं तो मेरा बैंक का शिक्षा विभाग हम समझेंगे, क्योंकि बच्चे हमारी स्वास्थ्य उनका हमारी प्रायोरिटी। तो जब तक हम पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हो जाते कि बच्चों का स्वास्थ्य कैसे ठीक रहेगा, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी ऑनलाइन एग्जाम और वर्कबुक से आओ बैक टू होम और ई कक्षा और हवा महल और हमारा स्माइल प्रोजेक्ट, आकाशवाणी, दूरदर्शन, इससे हम लोग पावर ही नहीं है। तो प्रहलाद गुंजल जी ने भी कहा है
वो जो लाठपुरा से पहले विधायक थे भवानी सिंह जी, उन्होंने भी कहा था कितने को देते हम भी देख लेंगे, देंगे तो ठीक है, वो तो उनकी पार्टी जाने, हमें कुछ नहीं करना। प्रदेश अध्यक्ष हैं जो कांग्रेस में आए हैं, बसपा से जो लोग हैं, आम कांग्रेस के सब एक साथ लोग हैं, 123 के 23 निर्दलीय और कांग्रेस के जो लोग हैं, बसपा से आए, कहाँ से आए, वो कांग्रेस के मेंबर हैं हमारे, हम सब एक।